आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड सदस्य और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा लोकायुक्त कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने लोकायुक्त कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से लेते हुए देखा है। लोकायुक्त के ऑफिस में आज मेरा बयान दर्ज होना था। भ्रष्टाचार के 7 बड़े मामले अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों के द्वारा जो किए गए हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपए का कैश एक्सचेंज, जिनमें बंसल परिवार को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाना, फेक बिल पीडब्ल्यूडी के, जिनमें सत्येंद्र जैन की ब्लैक मनी और हवाला का कारोबार, आम आदमी पार्टी को हवाला से जो चंदा आया वो, किस प्रकार से कंपनियों को सरकार ने टैक्स ना देने वाली कंपनियों से चंदा लिया उसका मामला, विदेशी दौरे और उनमें भारत विरोधी गतिविधियाँ, इन सारे 7 बड़े भ्रष्टाचार के मामलों के ऊपर मैंने अपना बयान लोकायुक्त के ऑफिस में आज दर्ज कराया है। केवल यही नहीं, कपिल मिश्रा ने लोकायुक्त को ये भी कहा कि इसके अलावा वो कुल 5 मुद्दे अभी तक वो उठा चुके हैं। ये मुद्दे हैं, पहला मुद्दा केजरीवाल के 2 करोड़ रुपए लेना, दूसरा मुद्दा स्वर्गीय सुरेंद्र बंसल की कंपनी को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग से सहायता पहुँचाई जाती है, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग में 10 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पर बंसल की कंपनी को पेमेंट कर दी गई, तीसरा मुद्दा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को विदेश जाने का मामला। कपिल मिश्रा ने कहा कि इन विदेश दौरों पर उन्हें शक है कि अवैध पैसे और हवाला पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। कपिल मिश्रा ने संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाए। चौथा मुद्दा वाटर टैंक घोटाला, ECB जाँच कर रही है शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के रोल पर, केजरीवाल ने जाँच में देरी। पांचवा मुद्दा आम आदमी पार्टी में अज्ञात लोगों को डोनेशन। हफ्ते के बाद सारे सबूतों को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो मेरे पास हैं वो लोकायुक्त ऑफिस में मेरे को जमा कराने का टाइम मिला है और उसके बाद 7 जुलाई को यहां पर अगली सुनवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार लीगल सेल ने लोकायुक्त के सामने कंप्लेन की थी कि कपिल मिश्रा के आरोपों पर जाँच होनी चाहिए, जिसके बाद लोकायुक्त ने कपिल मिश्रा का बयान दर्ज कराया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली।